हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि मालगाड़ियों का ट्रैकिंग कैसे करते हैं, गुड्स वैगन को कैसे ट्रैक करना है, वो कहां तक पहुंची है और अपने डेस्टिनेशन पे कब तक पहुंचेगी। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मालगाड़ी आपके डेस्टिनेशन पर पहुँच गई तो आपने जो मटेरियल बुक कराया है उसको रिसीव कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, रेलवे से रिलीज़ कैसे कराना है, तो वो मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये रेलवे रिसिप्ट होता है, RR बोलते हैं, इसके बारे में आप समझ लीजिए। इसमें पूरा डिटेल दिया रहता है कि आपने कहाँ से बुक कराया, कहाँ जाएगा, ये रेलवे के थ्रू आपको मिलेगा। जब आप कोई मटेरियल बुक करोगे तो आपको ये मिलेगा और इसको लेके जाना होगा मटेरियल रिलीज़ कराने के लिए। एक साथ में आपको RR लेके जाना है और एक आता है सरेंडर फॉर्म आता है, वो भी रेलवे के थ्रू आता है, आपके मेल में आता है। और जितने भी इनवॉइस है ना आपके मटेरियल्स का, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो सब लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। और जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे गाड़ी जब स्टेशन पे पहुँच जाती है ना आपके डेस्टिनेशन पे, तो उसका टाइमिंग क्या होता है, वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। और टाइमिंग स्टार्ट होने के कुछ घंटे तक या फिर कुछ उसका टाइम लिमिट होता है, वो आपके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। उतने टाइम तक आपको वहाँ से अपना मटेरियल उठा लेना है, नहीं तो वो लोग फिर चार्ज लगाते हैं। वो दो टाइप का चार्ज लगता है उन लोगों का, एक होता है डैमरेज चार्ज और एक होता है वायरफ्रेज चार्ज होता है। तो अभी मैं दोनों समझाऊंगा आपको। तो अभी पहले आप रेलवे रिसिप्ट के बारे में समझिए, ठीक है। ये है आपका रेलवे रिसिप्ट बोलते हैं इसको, RR बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड रेलवे रिसिप्ट। इसमें देखिए RR नंबर क्या है, ये RR नंबर है, ये 9 डिजिट का होता है। और एक यहाँ पे देखिए दिया हुआ FNR नंबर, FNR नंबर, इसी नंबर से हम वो मालगाड़ी का ट्रैकिंग करेंगे कि कहाँ तक पहुँची है। FNR नंबर 11 डिजिट का होता है। तो आप इसका मैं बताया था वीडियो में, तो उसका लिंक मैं दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी देखिए ये जो हमने बुक कराया है, एक कितने वैगन बुक कराए, 21 वैगन बुक कराए हमने। अब 21 वैगन में क्या है, पूरा 21 वैगन में सीमेंट है, टोटल 1368 टन है, 1365 टन के आसपास में सीमेंट है। अभी उसका रेट क्या है, रेट देखिए, एक टन का जो रेट है ना 1056 रुपये, 1056 रुपये एक टन सीमेंट का रेट है। सीमेंट का रेट नहीं है ये, मतलब वहाँ से यहाँ तक लाने का रेट है, फ्रेट चार्ज है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यूनिट रेट है आपका 1056 टन में है ये। अभी आगे देखिए ये कहाँ से बुक कराया गया है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए रूट भी दिया हुआ है, किस रूट से होके आएगा, ये राजस्थान से होके, राजस्थान से आएगा। देखिए JK सीमेंट है राजस्थान में, निम्बा वगैरह वहाँ से बुक किया गया है, और ये आएगा कानपुर सेंट्रल, ठीक है, कानपुर सेंट्रल में आएगा। तो वहाँ से मुझे ये लिफ्ट कराना है। अभी इसमें देखिए आगे दिया है टोटल, इनका जो टोटल फ्रेट चार्ज है ना, टोटल कितना है, 16,21,000 फ्रेट चार्ज है रेलवे का, इतना हमें पे करना है, उसके बाद वो लोग बुक करते हैं। मतलब ये प्रीपेड होता है, पहले आप पे करोगे तभी बुक होगा। 16 लाख वहाँ से यहाँ तक का लाने का जो उनका फ्रेट चार्ज है 16 लाख है, राजस्थान से कानपुर निम्बा एरा, वहाँ से डिस्टेंस अप्रॉक्स में है 760 किलोमीटर है, आई थिंक 800 किलोमीटर के आसपास है। तो उनका जो बेसिक रेट क्या है, 1056 मैंने ऊपर दिखाया, और 1368 टन पूरा बुक किया गया है। 21 जो वैगन है ना उसका जो कैपेसिटी है 1368 टन है, वैगन का कैपेसिटी 1368 टन है। तो इसके हिसाब से देखिए 1368 टन है, सपोज करो कि एक वैगन हमने बुक कराया, उसका कैपेसिटी 1000 टन का कैपेसिटी है, बट मैं उसमें केवल 500 टन ही लेके आ रहा हूँ, 1000 की जगह हम 500 टन ही लेके आ रहे हैं ना, तो भी हमें 1000 टन का पैसा पे करना है। तो वैसा ही सेम यहाँ भी हुआ है, 1368 टन का उसका कैपेसिटी है 21 वैगन का, जबकि मैं लेके कितना आ रहा हूँ, 1365 टन के आसपास में लेके आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया टोटल बैग कितना है, 27,318 बैग है। 27,318 में जब आप 20 से डिवाइड, देखो एक टन में कितना बैग होता है, 20 बैग होता है। एक टन बराबर होता कितना है, एक टन बराबर होता है आपका
1000 kg, 1000 kg, और सीमेंट का जो बैग आता है ना, एक बैग में 50 kg होता है, ठीक है। तो 20 बैग कितना हो जाएगा, 1 टन के बराबर होता है, ठीक। तो आप यहाँ से जब कैलकुलेट करके निकालोगे यहाँ से, तो आपका 1365 टन के आसपास में आएगा। इसमें 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपका टन में क्वांटिटी आ जाएगा। अभी देखिए वहाँ पे 1056 रुपये रेट दिया हुआ है, 1056 रुपये यहाँ पे देखिए रेट है। तो हमें टोटल कितना आ रहा है, 1368, 1368 टन आ रहा है मटेरियल ना। 1368 इंटू 1056 आप करोगे तो उनका बेस टैक्सेबल वैल्यू जो आएगा 14,44,000 आएगा। उस पर इन्होंने GST लगाया है, और फिर ये DS DTC, ये उन लोगों का ये चार्ज होता है, इसका नाम अभी मुझे भूल रहा है। तो ये सब टैक्स कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू कितना आया, 16,21,000 उनको पे करना है। अभी देखिए जब आप पे करोगे तब जाके आपका वहाँ से गाड़ी मतलब लोडिंग होगा और गाड़ी रिलीज होगा। इसके आगे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके पहले एक सेकंड पेज भी था, उसमें क्या होता, पेमेंट डिटेल रहता है, कैसे पे हुआ है वो सब रहता है। यहाँ पे देखिए टोटल 21 वैगन का डिटेल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल क्या है, 21 वैगन है यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल एक वैगन में देखिए, ये वैगन नंबर है 23073। आप मालगाड़ी जब देखोगे ना तो उसमें वैगन नंबर लिखा रहता है वाइट मार्कर, या फिर वो बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, पेंट से, मार्कर से नहीं, पेंट से लिखा रहता है वाइट पेंट से। तो ये सब क्या है, वैगन नंबर है। देखिए इस वैगन में कितना वैग है, 1258, 1258 बैग रखा गया है। इसमें कितना है, ये सबके सामने कितना बैग रखा गया है, तो ये उसका क्वांटिटी दिया है। और टन में कितना क्वांटिटी है, ये टन में क्वांटिटी दिया है, ठीक है ये वाला। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, टोटल 21 बैगन है, आप देख सकते हैं 21 है, तो 27,318 बैग टोटल है। तो अप्रॉक्स में अगर आप एक बैग का रेट कैलकुलेट करोगे तो लगभग 52 रुपीज़ आएगा, क्योंकि 1056 रुपये है एक टन का रेट है, तो एक बैग का लगभग कितना हो जाएगा, 52 रुपीज़ हो जाएगा। यानी कि 16,00,000 टोटल हमें पे करने हैं रेलवे को। तो ये था पूरा प्रोसेस। आप जब भी जाओगे तो अच्छा, अभी आप डैमरेज चार्जेस के बारे में जान लो। उसमें दो टाइप के चार्ज लगते हैं, एक होता है डैमरेज चार्ज और एक होता है वारफ्रेज चार्ज। डैमरेज चार्ज क्या होता है, अभी देखो आपने 21 वैगन मंगाए तो इसके लिए 7 आवर मिलेंगे आपको अनलोडिंग का, ठीक है। अनलोडिंग का अगर आपने 7 घंटे में अनलोड नहीं किया, 7 घंटे से ज़्यादा जा रहा है ना, तो 1 घंटे का जो आपका चार्ज लगता है 150 रुपये लगता है एक वैगन का। बट यहाँ पे 21 वैगन है ना, तो 21 वैगन पे लगेगा 150, 1 घंटे का 150 × 21, 2 घंटा हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे वो बढ़ता जाएगा। सपोज करें कि 21 वैगन आया, हमने 20 वैगन खाली कर लिए, बट एक वैगन का मटेरियल खाली नहीं हुआ, तो भी वो क्या करता है, 21 वैगन पे पूरा चार्ज लगता है। 21 वैगन पे क्यों लगेगा, जब तक एक वैगन रहेगा तब तक वो मतलब वो गाड़ी तो वहीं खड़ी रहेगी, उसके बाद एक वैगन को छोड़ के तो आगे जाएगी नहीं। इसके लिए क्या होता है, वो पूरे पे चार्ज लगाता है। और वारफ्रेज पे क्या होता है, वारफ्रेज आपको 12 घंटे मिलेंगे इसमें, वहाँ से मटेरियल लिफ्ट करने हटाने का। अभी तो आप वहाँ से अनलोड करके रेलवे के ज़मीन में ही रख दिया मटेरियल, फिर होता है 12 घंटे टाइम देता है मटेरियल उनके ज़मीन से मतलब उनके यार्ड से हटाने का। तो 12 घंटे के अंदर आपने हटा लिया तो ठीक है, नहीं तो अगर 12 घंटे से एबव हो रहा है तो जितने वैगन का मटेरियल मतलब उनके यार्ड में रहेगा ना, उतने पे ही लगेगा, ये पूरे वैगन पे नहीं लगता है, केवल उतने ही वैगन के मटेरियल पे वारफ्रेज चार्ज लगता है। ये भी 150 पर आवर होता है, 150 रुपये 1 घंटे का लगता है।
तो डैमरेज चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट वायरफ्रेश तो थोड़ा ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। आप जब भी अगर ऐसा कुछ है रेलवे के थ्रू बुकिंग कर रहे हैं कोई बल्क आइटम, तो ये प्रोसेस होता है जल्दी से उसको अनलोड करना और फिर वहाँ से लिफ्ट करना, ये मेन पॉइंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।